स्वापक नियंत्रण ब्यूरो एक निष्पक्ष ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इस देश को नशा मुक्त बनाने के लिए एक असाधारण से चुनौती का सामना कर रहा है। हम लोग एनसीबी में पब्लिक सोर्सेस से पाई गई सूचना के आधार पर और अपनी इंटेलिजेंस पे और सर्वेलेंस मेथड्स के आधार पे जो सूचना मिलती है उसके आधार पर कार्य करते हैं। एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के आधार पर इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल ग्रीन गेट में कॉर्डेला क्रूज शिप पर 2 तारीख को रेड की गई और 8 लोगों को कई तरह के ड्रग्स के साथ जिसमें कोकेन, मेफेड्रॉन, चरस, हाइड्रोपोनिक वीड और एमडीए शामिल था के साथ गिरफ्तार किया गया। इनके पास से 1,33,000 रुपये भी बरामद हुए। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत स्वापक नियंत्रण ब्यूरो को 2 स्वतंत्र गवाह भी अपनी प्रक्रिया में शामिल करने होते हैं। चूंकि ये सारे ऑपरेशन वास्तविक समय के आधार पर होते हैं तो इन इंडिपेंडेंट विटनेसेस का फील्ड वेरिफिकेशन और इनके बारे में जानकारी इकट्ठा करना मुश्किल होता है, क्योंकि उस समय हमारा मुख्य उद्देश्य ड्रग की रिकवरी और ऑपरेशन पर होता है। कुल 9 स्वतंत्र गवाह इसमें शामिल हुए जिसमें मनीष भानुशाली और केपी गोसवी भी थे। मैं यहाँ दोहराना चाहूँगा कि इन सभी 9 गवाहों को 2 तारीख के ऑपरेशन के पहले एनसीबी नहीं जानती थी। चूंकि इस रेड में जो लोग गिरफ्तार हुए थे उसके बाद उनकी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए काफ़ी भीड़ जो कि इकट्ठा हो गई थी, तमाम सारे कैमरे थे, उसको ध्यान में रखते हुए इनको एनसीबी ऑफिस में लाया गया। जितने भी लोग यहाँ पे डिटेन किए गए या अरेस्ट किए गए उन सभी के साथ एनसीबी ने न्यायोचित और अच्छा व्यवहार किया। यहाँ तक कि उनके पक्ष के वकील ने भी एनसीबी के ऑफिसर्स में अपना विश्वास जाहिर किया है और ये कोर्ट रूम की में दर्ज है। कुल 14 लोगों को एनसीबी के ऑफिस